नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मानहानि के एक मामले में जमानत पर चल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते बुधवार को भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, वहीं इस मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें 2018 में राहुल गांधी ने गृह मंत्री को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद भाजपा नेता ने विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था और 2023 में राहुल के विरुद्ध मुकदमा चलाने का आदेश जारी किया। राज्य के सभी जिला आयुक्तों का सम्मेलन लखीमपुर में दो दिवसीय कार्यक्रमों के साथ होगा। आपको बता दें कि दो दिवसीय कार्यक्रम कल यानी 1 जुलाई को आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा भी शामिल हुए। वहीं आज मुख्यमंत्री पदुम थियोनी आईथान का दौरा करेंगे और फिर सुबनसिरी नदी पर चल रहे घुनासुदी पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज राज्यवासियों को 1500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। इस अवसर पर जल संसाधन, पथ निर्माण विभाग व भवन निर्माण मंत्री बसंत सोरेन भी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ आज राज्यवासियों को 1500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। वहीं इस अवसर पर जल संसाधन, पथ निर्माण विभाग व भवन निर्माण मंत्री बसंत सोरेन भी उपस्थित रहेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मध्य प्रदेश के धार जिले में 13वीं शताब्दी का स्मारक कहे जाने वाले भोजशाला मंदिर कमल मौला मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा कर चुकी है। इस सर्वेक्षण के दौरान मिली 1700 कलाकृतियों में से 39 मूर्तियां टूटी हुई मिली हैं, जिसकी रिपोर्ट ASI आज उच्च न्यायालय को सौंपेगा। वहीं इस मामले पर अगली सुनवाई 4 जुलाई को तय की गई है। राजस्थान में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले 2 जुलाई को भजन लाल सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। ये बैठक दोपहर 12:30 पर मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तावित है। इस कैबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र में रखे जाने वाले विधेयकों का अनुमोदन होगा। हरियाणा में आज जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारी SDO के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि मांगों को लेकर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों व उपमंडल अधिकारियों में तनातनी चल रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि बैठक के दौरान SDO ने उनकी बात नहीं सुनी, वहीं SDO ने मांग मानने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश में हुई नर्सिंग घोटाले को लेकर आज युवा कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। बता दें कि आज युवा कांग्रेस इस घोटाले को लेकर सत्याग्रह करने जा रही है। इस सत्याग्रह में युवा कांग्रेस के प्रदेश भर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस सत्याग्रह के जरिए युवा कांग्रेस तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की भूमिका की जाँच कराने और उनके इस्तीफे की मांग करेगी। बिहार के वीर कुंवर विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम सेमेस्टर 1 सत्र 2024-28 में स्थगित नामांकन की प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई है। आपको बता दें कि 27 जून को पोर्टल खोल दिया गया था। वहीं पोर्टल खोलते ही नामांकन की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली थी। वहीं आज एडमिशन की अंतिम तिथि है, इसके बाद कोई भी छात्र नामांकन नहीं कर पाएगा। राजस्थान के बीकानेर में श्री लालेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में ब्रह्मलीन स्वामी संवित सोमगिरी महाराज की स्मृति में अधिष्ठाता विमर्शानंद गिरी महाराज के सानिध्य में आज राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन होगा। कोटा विश्वविद्यालय में आज 10वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। बता दें इसकी अध्यक्षता राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे। दीक्षांत अतिथि के रूप में वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोक के कुलपति प्रोफेसर ईना शास्त्री एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद ब्यारवा मौजूद रहे। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1306 में आज के दिन अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाड़ा पर आक्रमण किया था। साल 1893 में आज के दिन आंध्र प्रदेश के पहले राज्यपाल चंदूलाल माधव लाल त्रिवेदी का जन्म हुआ था। साल 1950 में आज के दिन स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक यूसुफ मेहर अली का निधन हुआ था। साल 2002 में आज के दिन हेपेटाइटिस सी की जांच को पूरे भारत में अनिवार्य किया गया था। साल 2004 में आज के दिन भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जकार्ता में आपसी बातचीत की थी। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।